क्या भ्रष्टाचारियों को सरकार में शामिल कराकर ही भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि जो भी भ्रष्टाचारी हो पूरे देश में उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और वो ऐसी कार्रवाई होगी वो जेल नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, सरकार में शामिल होगा, मंत्री बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा। नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग तरीके से किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके सरकार बनाई जाती है, गिराई जाती है। मोदी जी ने वादा किया चुनावी भाषण में, एक रैली में, कि जो जो भ्रष्टाचारी है उसके ऊपर मोदी जी की गारंटी है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और किस प्रकार से मोदी जी ने महाराष्ट्र में कार्रवाई करके भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र कर दिया, आइए देखते हैं। एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। सरकार का विपक्ष के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, उसके बाद ईडी और सीबीआई को भेजना, फिर वही नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता हो या उसकी सरकार में भागीदारी कर लेता हो, और उसके बाद वो उसके ऊपर जांच एजेंसियों की फाइल बंद हो जाना, ये देश की जनता, 140 करोड़ की जनता ये देख रही है किस प्रकार से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है।
और उसके बाद उसकी फाइल बंद हो जाती। फिर वही नेता जो आरोप लगाते थे हजारों करोड़ का, इसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, इसने 2,00,000 करोड़ का किया, 20,00,000 करोड़ का घोटाला है, वो सरकार उस भ्रष्टाचार का नाम लेने के लिए फिर बंद हो जाती है।